हुकूमत इलेक्शन कराने से क्यों खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती इत्तेहाद के दावों की कलई खोल दी। पीटीआई को मुल्क की मकबूल तरीन जमात करार दे दिया। कप्तान ने कहा का एक बार फिर सच साबित हुआ। दो टोक अल्फाज में कहा था, तुम कुछ भी कर लो जीतेगी पीटीआई ही। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद तमाम जिमनी इलेक्शन में पीटीआई सुरखुरू हुई। पीटीआई ने 18.5 लाख से जायद और हुक्मरान इत्तेहाद ने मिलकर 16 लाख के करीब वोट हासिल किए। और वो ये जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये फिर से ये डरे हुए हैं कि इलेक्शंस अगर होंगे तो ये हार जाएंगे। ये जब भी इलेक्शंस होंगे हार जाएंगे, तो क्या ये अक्टूबर में जीत जाएंगे? यह है कप्तान का वो खुद पर एतमाद, आवाम की ताकत पर यकीन। इसीलिए रुकावटें और साजिशें, धौंस और धांधली, अपनों की गद्दारी, दुश्मनों की ताकत, उनकी आवाम से मोहब्बत छीन सकी न छीन सकेगी। हुक्मरान इत्तेहाद की बड़ी रुसवाई, इज्जत रही न कामयाबी हाथ आई और पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन गयी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल देख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जेक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।